Shikuman Bhav. Rasikan ke rasden kumhi to prakriti yasa. Agi bhayinu muni yapura. Ek matra rasik jinan sukh devi ke kaan. Apne asri jinan sukh devi ke kaan. Swami ji Maharaj ko प्राकट्य हो स्वामी जी महाराज की लाडले प्राण सर्वस्व श्री बांके जय जी सहज निधवन राज जी ने आपने प्रेमी रसिक जनों आप श्रवण कर रहे हो अष्टादश सिद्धांत को अंतिम पद प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे था वही संबंध में आप भाव व्याख्या श्रवण कर रहे हैं। प्रेम समुद्र प्रकाश आभास पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण कियो कहे सुन समुझिन वस्तु बिचारी शुद्ध स्वरूप न ठीक समारी साधना पथ पे आरूढ़ तो बहुत जन होते हैं दास अनुगत जो भी होते हैं बहुत जन लेकिन वस्तु को सही सही नहीं समझा भजन भी कर रहे हैं ध्यान भी कर रहे हैं लेकिन ये समझना कि हमारे इष्ट को स्वरूप क्या है हमारे इष्ट को हमारे धाम को और इष्ट के नाम को और अपनों से हमारो इष्ट के संबंध क्या हमारो इष्ट के संबंध क्या है हमारे जैसे यह संसार में कोई संबंध होते हैं संबंधों के ही कारण आगे प्रेम बढ़ता है कोई न कोई संबंध भाई का संबंध है अथवा जो जो भी संबंध है नाना प्रकार के संबंध है तो उन संबंधन के कारण ही कि हमारे गुरुदेव हैं हमारे रसिक हैं हमारे संत हैं हमारे दास हैं नाना प्रकार के परमार्थ के संबंध हमारे आचार्य संसार में संबंध होते हैं जैसे तो इस तरीके से आचार्य महानुभाव कहते हैं कि हमको अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे हम कौन है ये यहाँ के जो मनुष्य और यानी स्त्री पुरुष का जो चोला है वो तो यहीं तक का सीमित है ये तो हमारा स्वरूप है ये तो यहीं रह जाता देह छूटी तो यहीं रह जाता है तो स्त्री और पुरुष तो हम ये तो यहाँ का ही बवाल है तो हम देह नाते सो सब हमको अपना स्वरूप महाराज बोले कहे सुन समुझन वस्तु संहारी कह के सुन के गुरुओं से कुछ समझ में नहीं आता गुरुजनों से दस बार प्रश्न महाराज यहाँ से हमारे समझ में नहीं कहीं से कच्चा नहीं रहना है उपासना में उपासना तत्व को निर्णय कर लेना हर तरीके से निर्णय कर लेना और जिनके अंदर जिज्ञासा नहीं है कर रहे हैं भजन साधना कर रहे हैं लेकिन पूछने की जिज्ञासा नहीं है यद्यपि विहार जी महाराज की स्वामी जी की ऐसी कृपा है जो इस श्रीदासी रहस्य से जुड़े हुए हैं बराबर सत्संग श्रवण करते हैं कईयों साल से उनके हृदय में कोई संशय रहेगा नहीं स्वामी जी की कृपा से बराबर श्रवण करते हैं सारे संशय उनके दूर हो जाएंगे और वो नित्य परम निर्वध रस के और स्वामी जी विहार जी महाराज के चरणों के अनुरागी निश्चित ही बन गए उनकी देन है जो बराबर श्रवण करते हैं तो सुने बिना समझे कहा आचार्य जन कहते हैं बिना सुने संतरसकों के पास बैठ के अथवा यूट्यूब के माध्यम से जब तक हम बराबर नहीं सुनेंगे तो समझ में कुछ आएगा ही जैसा मन में आ रहा है वैसे चलते रहेंगे तो बिना सुने समझे कहा
किशोरदास जी महाराज निजमत में कहते हैं, बिना सुने समझे कहा समझे बिना न सयान, और बिना समझे चतुराई नहीं आएगी। तो बिना सुने समझेंगे नहीं और बिना समझे चतुराई नहीं आएगी। और बिन सयान क्यों है सके दास के सोर समान, यानी बिहार जी महाराज के समान अथवा उनके लायक हम सुनने के बाद ही बनेंगे, तभी बिहारी बिहारी हमको स्वीकार करेंगे सुन के और हम वस्तु को संभारेंगे। तो महाराज बोले, कहे सुन समझ, कहो तो समझ में नहीं आ रहा है, कहो सुनो, और समझ फिर उसको शुद्ध समझ को हृदय में धारण कर लेना चाहिए और उस पर दृढ़ हो जाना चाहिए, फिर अपनी जितनी भी ढील है उन सबको समाप्त कर लेना चाहिए। तो कहे सुन समझ न वस्तु विचारी, तो अपनी वस्तु का विचार कर, अन्य उपासनाओं की जो वस्तु है वैसी वस्तु स्वामी जी के घराने की नहीं है, तो निपट नित्य विहार है, रसरित को श्रृंगार है, ऐसो को उदार उपकारी पर पीर को इसका निन्य न भावे, श्री मुख श्याम रोगावे गुरुन को गुरु हरिदास आदि। छोटे जीव से लेके बड़े तक ब्रह्मादिक आज देवताओं तक सब के सब सुख के लिए अथवा प्रेम के लिए लालायते हैं, सब खोज में है प्रेम की और सुख में, और मूल सुख के दाता स्वामी हरिदास जी महाराज यहाँ प्रकट होंगे, परम नित्य सर्वोपर सुख के दाता सर्वोपर प्रेम के दाता स्वामी जी महाराज को प्रादुर्भाव है प्राकट है। तो हम तुम सभी स्वामी जी की दासता स्वीकार करेंगे, उनके चरणों के अनुरागी बनेंगे और श्री हरिदास नाम जाप करेंगे और विवेक से वस्तु का निर्णय करके वस्तु की शुद्ध समझ धारण करके आगे बढ़ेंगे, तो ये जीवन सफल। महाराज श्री बोले, कहे सुन समझिन वस्तु विचारी, शुद्ध स्वरूप न ठीक समारी, शुद्ध शुद्ध स्वरूप वस्तु का हम कौन है, हम प्रिया प्रीतम की अन्य संगनी सहचरी, ये भाव सब भावों के ऊपर सबसे सर्वोपर भाव, इससे बड़ा कोई भाव नहीं है इष्ट की प्राप्ति। माधुर्य ते हरि प्रसन्न होंगे, ऐश्वर्य को सेवन करने से हरि प्रसन्न नहीं होते हैं, हरि के ऐश्वर्य ते तो ब्रह्मा और शिव भी भैखा में हरि के ऐश्वर्य, इसलिए अति माधुर्य की उपासना है। काम केल रसरीत कही हरिदास है, गौर श्याम सुखरास यही निज आस है, श्री हरिदास से श्री हरिदास से गाय हों, काम केल रसरीत यही दृढ़ भाय। स्वामी जी महाराज ने अति माधुर्य की उपासना का वाहन किया, काम केल माधुर्य सहजति सर्वदा, प्रेम स्वभाव सरल मति सुधाव नरम, उज्ज्वल प्रेम है, उज्ज्वल काम है, उज्ज्वल प्रेम है, सर्वोपर प्रेम है, इनके मल मैथुन कछु नाही, ये तो दिव्य देह व्यरत उषाधारण पूज्य विचारी, अनन्य धरे व्रत भारी, ऊ तो साधारण भक्त होते हैं, साधारण भक्त किनको कहते हैं, सलल्य भक्त जो होते हैं, सलल्य भक्त साधारण भक्तों से भी अलग है, साधारण भक्त हुए हैं हरि के सहज भाव से थोड़ा भजन साधना जिनको ज्यादा जिज्ञासा नहीं, जो बन गया तो बन गया, सलल्य वो हैं सभी देवताओं की भगवानों की एक साथ पूजा करते हैं उनको सलल्य भक्त, जहां गए वहां वैसे ही हो। आचार्य जन बोले, सलल्य भक्त जो कोट हूं मिले जुले जो सबकी उपासना करने वाले देवताओं की भी उपासना करते हैं भगवानों की उपासना करते हैं उनको सलल्य भक्त, ऐसे भक्त अगर करोड़ों भी हों उनसे आगे तामे शुद्ध जो एक भगवान कृष्ण की या भगवान राम की उपासना को ही केवल और केवल शुद्ध भाव से मानते हैं, उन करोड़ों से आगे हैं, उनसे भी आगे क्या है कि सलल्य भक्त जो कोट ताने शुद्ध जो एक कोट शुद्ध सम रसिके,
तो करोड़ों शुद्ध भक्तों से आगे एक रसिक है वृंदावन का, जो भगवान कृष्ण की उपासना को रसिकता से माधुर्य भाव से करते हो, वो उन करोड़ों से भी आगे है। तो कूट शुद्ध सम रसिक एक, और इन रसिकों से भी करोड़ों रसिकों से भी आगे एक अनन्य रसिक है। कूट शुद्ध सम रसिक एक रसिक अनन्य विशेष, उन करोड़ों रसिकों से भी ये उपासनाओं के भेद है। ये बिना सुने ये समझ में नहीं आएगा और बिना निर्णय नहीं होगा, अंधकार में जैसे मन में आ रहे वैसे चलते रहते हैं। लेकिन ये मन इस जन्म बड़े निर्णय के लिए प्राप्त होगा, अंधकार के लिए। तुम्हारा श्री बोले अनन्य रसिक, अंतिम बात आई सबसे चरम सीमा की, अनन्य रसिक। अनन्य रसिक और नहीं कोई, ये तो श्री हरिदास बंसी सब होई। केवल और केवल स्वामी हरिदास जी बिहार जी महाराज के, आजमीर देव जी महाराज के वंश में ही अनन्य रसिक हो सकते हैं। अनन्य रसिक होना सबसे बड़ी बात है। रसिक अनन्य भये सुख पहिए, जो जुग सहस जन्म को टिक धरे और उपाय नहीं। जिस परम सुख और नित्य सुख की आकांक्षा इस जीव को अनंत जन्मों से लगी हुई है, रसिक अनन्य भाव नहीं आएगा हृदय में तो करोड़ों जन्म साधन करते करते भी वो परम और नित्य वस्तु प्राप्त नहीं होगा। एक जन्म में और बहुत जल्दी से जल्दी काम बन जाएगा। विवेक से हम वस्तु को सेवेंगे, स्वीकार करेंगे, रसिक जन्म का संग करेंगे एक जन्म में, नहीं तो करोड़ों जन्म भटकते भटकते हो गए और भी भटकन बन गए। तुम्हारा श्री बोले को साधारण को व्यवचारी, तो साधारण भक्त हैं, को व्यवचारी है, व्यवचार मत उसी को बोलते हैं, सबको मानने वालों को सलल भक्तों को व्यवचारी भी कहते हैं। को अनन्य धरे व्रत भारी, को अनन्य व्रत को धारण करने वाले, जैसे दारुद्र में करियारी खंड खंड पाखंड दिलारी। महाराज बोले जैसे दारू द्रव्य कर आरी, दारू माने लकड़ी, जिस लकड़ी को आरी खंड खंड कर देती है, उसी प्रकार को अनन्य धर्म धारण करने के बाद में जो पाखंड धर्म है, जो बहुत जगह मन है, वो खंड खंड करके उसको दूर कर देना चाहिए। गुरु स्वामी जी महाराज तनक तनक को सबको निकाल देना चाहिए, जहां कहीं भी मन बैठा है सबको हाथ जोड़ दे, हमने तुम्हारी बहुत सेवा करी, चाहे कोई देवता हो चाहे जो भी हो, उनको हाथ जोड़ दे। अब हम स्वामी जी बिहार जी महाराज के हो गए, स्वामी जी से स्वामी जी, बिहार जी से बिहार जी, और आंख मूंद बस इन्हें ही निहार, और उसे आंख मूंद ले, तब ये अनंत जन्मों से जिस सुख की आशा में था ये जीव, वो एक ही जन्म में नहीं, बहुत जल्दी से जल्दी वो रास्ता और वो नित्य सुख प्राप्त। बोलो स्वामी जी महाराज, भटकन को समाप्त कर, राज वैस रस राज संहारी सुख भर सत सिहरदास दुलारी। ये राज वैस है, शरीर की सबसे कीमती उम्र यहीं प्रमाण, सबसे कीमती नव उन्नत किशोर वैश्य, नव उन्नत किशोर वैश्य उम्र कौन सी कीमती होती है, यानी किशोर अवस्था और उन्नत किशोर, किशोर अवस्था का प्रारंभ, किशोर अवस्था यानी 14 और 15 वर्ष के बीच से शुरू होती है, तो उसका प्रारंभ बीच से होता है, 14 चतुर्दश ऊपर पंचदश तामद वैश्य विचरण, तो 14 के और 15 के यानी 14
तो हमारे बिहारी बहनों की उम्र और हमारी सहचरियों की उम्र और नित्य निकुंज महल में हमारी तुम्हारी उम्र सदा सदा पौने 15 वर्ष की रहेगी। बोलो स्वामी जी महाराज, पौने 15 वर्ष की प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी सुख मिलेगा हमेशा। वही उम्र के प्रियाजू और वही उम्र की लालजू और वही उम्र की हम तुम सब सखी सहचरी, ये सुख स्वामी जी की कृपा से प्राप्त होगा। इस नित्य सुख से बढ़के दुनिया का कोई भाव का सुख नहीं है, ये सर्वोपर सुख है। सभी सुख या सुख के आश्रित रहते। बोलो स्वामी जी, भगवानों को भी इच्छा है, आकांक्षा है कि ये सुख हमको प्राप्त हो। दुर्लभ बात है, लक्ष्मी पत ब्रज पत को दुर्लभ हो, इनते कौन बड़ो अधिकार। स्वामी जी की कृपा लक्ष्मी पत और ब्रज पत हूँ मना में स्वामी जी महाराज। श्री श्री दास नाम राज वैस रस राज संहारी, तो यहाँ राज वैस बिहारी बहन श्यामा को आधार राज वैस, राज रस है राज वैस है, तो ये राज वैस है सर्वोपर सुंदर सबसे सुदृढ़ और सर्व सुखदायिनी वैस। नव उन्नत किशोर नव जोवन जुग राज बिहारी बिहरत नवरत साजी जू, नित नव जोवन जोर विभोर नित नव किशोर सकल केली कला कोविद बिहारी बिहारी उन्मत्त अलमस्त और बिहार में परायण। ये बिहारी बिहारी को ये नित्य सुख सहसरी भाव से भावित होके अवश्य ही स्वामी जी की कृपा से प्राप्त हो। इतनी बड़ी वस्तु लेकिन स्वामी जी महाराज की कृपा से ये सहसलभ हो जाती है, बड़े आश्चर्य की। जो भगवानों को दुर्लभ है स्वामी जी के अनुगतों को वो सुलभ है। ऐसी वस्तु सुखवर सत श्री हरदास दुलारी, स्वामी जी महाराज श्री हरदास दुलारी कौन है, लाडली जी का नाम श्री हरदास। स्वामी जी महाराज सहज भाव से लाड़ लड़ा में व्यारी व्यारन को सुख की वर्षा कर रहे हैं, अथवा लाडली जू सहज सुख की वर्षा करती भाई लालजू को सब सखीन को और सुखते सराबोर करें। श्री वृंदावन रस सिंधु अपारी सकल धाम धामी अवतारी, ये प्रकट में श्री धाम वृंदावन है। जिन बड़ भागियों ने वृंदावन जी की शरण लई वो वृंदावन में स्वामी जी बिहारी जी की शरण लई, अथवा और भी कावृषिक मान भाव की वृंदावन में और संप्रदाय की शरण लई वो बहुत बड़ भागी, वो भी बहुत अच्छा। अगर स्वामी जी की शरण नहीं ले पाए और कोई शरण वो भी बहुत अच्छा, झा भी ले और स्वामी जी की शरण ले तो कहना ही क्या। तो श्री वृंदावन रस सिंधु अपारी, तो ये अपार रस सिंधु है वृंदावन, परम उज्ज्वल चिन्मय महामधुर साथ सारा के साथ वृंदावन को से सकल धाम धामी अवतारी, सकल जितने भी धाम है अवध उड़ीसा द्वारका बद्री केदार जितने भी धाम है ये सबके प्राण स्वरूप है, सबके आश्रय स्वरूप है, सब धामीन के धामी है। सभी धाम वृंदावन चंद्रियों के आश्रय रहते आश्रित रहते हैं। यहाँ तक कहते हैं आचार्य महानुभाव, देश विदेश भिकारिया जहां जाए ता भीख और वृंदावन कन कौर विन वैकुंठ। वृंदावन जी की कड़ांश कृपा की आशा वैकुंठ धाम भी करते, सारे धाम ऊपर के और नीचे के सब वृंदावन की कृपा मनाते हैं। वृंदावन चंद्री ऐसे सर्वोपरि हे प्रेमी जनों, तुमको वृंदावन मिल गए तो और बाकी रहो स्वामी जी महाराज, और कहीं भागदौड़ नहीं करनी चाहिए बेटियों को जिनको वृंदावन धाम मिला, न किसी का खंडन करना चाहिए और न भागदौड़ ही करनी चाहिए। वृंदावन के जे प्रणधारी और तीर्थ जाए खरी बिगारी, जो वृंदावन के प्रणधारी होते हैं अन्य तीर्थों में मन रख के अपनी खरी बात पर पानी फेर लेते, किसी का खंडन नहीं है
लेकिन वृंदावन के प्रणधारी जब भी आएंगे, बाहर भी रहते हैं, जब भी आएंगे वृंदावन चंद्र बिहारी जी स्वामी जी वृंदावन की ही शोभा रखेंगे। और किसी कार्य से, किसी सेवा से कहीं जाना पड़े, किसी के संग वो एक अलग विषय है, लेकिन उपासना के माध्यम से केवल और केवल वृंदावन चंद्र को ही सेवन कर। वृंदावन रस सिंधु अपारी, जो अपार रस को खजाने हैं, वृंदावन रस खान सकल धाम धामी अवतारी, ये सकल धामों के धामी हैं। और ये स्वामी महाराज, बिहारी जी महाराज ये अवतारी स्वरूप हैं। श्री विपुल विनोदन पर बलिहारी, श्री बिहारी बिहारी दास कुमारी, जो अगाध विनोद है, बिहारी बिहारी को अखंड नृत्य विहार है, या पे बार बार बलिहारी जाए, श्री बिहारी बिहारी दास कुमारी, हे स्वामी जी महाराज आपकी बार बार बलिहारी जाए, बार बार बलिहारी जाए, ऐसा श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि आपने ऐसे सर्वोपर नित्य निपट बिहार को प्रकट किया। सब रसन को राज रसिया बिन नहीं हो सिराय, देखिए सुख जिए हम सब सुख दिए समुदाय। तो ये स्वामी जी का देश सभी रसन को राज रस, जब यह हृदय में विराजमान हो गए वो, तभी अनंत जन्मों की भटकन समाप्त होके हृदय को महाशांति महासुख प्राप्त हो गए वो। आचार्य मानवा उनको कहना है, श्यामा को आभार राज रस को गयो, सब रस को रसार विहार विशद, सभी रसन को रसार ये नित्य विहार स्वामी जी को। हे प्रेमी जनों, आप 18वें पद को ये भाव व्याख्या श्रवण कर रहे हैं कि स्वामी जी के देश की रस गैर गंभीरता कौन प्रकार की है, ये आभास मात्र आप समझ गए। जैसे स्वामी जी महाराज की कृपा से टूटे टूटे शब्दों में वो कृपा कर रहे हैं, आप समझ गए। इस रस रहस्य को हृदय में धारण करके अपने रास्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। स्वामी जी महाराज अभी एक दो दिन और भी 18वें पद के संबंध में आप और भी श्रवण करेंगे। स्वामी जी महाराज।